हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंजीत। आज आप लोगों को मैं व्हाट्सअप बैकअप कैसे लेते हैं उसका बारे में मैं कुछ दिखाने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे व्हाट्सअप, अगर आप लोग फ़ोन चेंज करेंगे, नया फ़ोन ख़रीद रहे हैं या तो आप लोग ऐसे मंथली बैकअप ले सकते हैं। व्हाट्सएप में हम लोग को बैकअप लेके हम न्यू डिवाइस में हम कैसे अपना सारा कॉन्टैक्ट, जो मैसेजेस है, एवरीथिंग एज इट इज़ रहेगा। सो उसके लिए हम लोग, अगर पुराना फ़ोन से नया फ़ोन में आपका व्हाट्सएप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसमें आपको क्या करना है। सो पहले आपको व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप के कोने में जो 3 डॉट्स है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है चार्ट्स बैकअप हिस्ट्री वॉलपेपर, इसमें आपको क्लिक करना है। चार्ट बैकअप, इसमें जाना है आपको, फिर आप बैकअप ले सकते हैं यहाँ से। सो उससे पहले हमको, अगर आपको बैकअप लेना है आपको वीडियोज़, तो उसमें आपको क्लिक करना है इंक्लूड वीडियोस। अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नो करना है। हाँ, और आप बैकअप वाईफाई ऑन कर सकते हैं और वाईफाई और आपका मोबाइल डाटा से कर सकते हैं। सो मैं अभी मेरे मोबाइल डाटा से कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे आपका वाईफाई बैकअप जहाँ लेगा वो स्टोरेज आपका होगा। ये मेरा अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट में होगा। आपको ऑथोराइज़ करना है। सो आपको यहाँ पे बैकअप आप जैसे कभी ऑटोमेटिक ले सकते हैं, आपको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं मंथली, वीकली, डेली और ओनली। आप जब चाहेंगे तब करेंगे, तो ये ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं मेरा सेफ्टी के लिए मैं बैकअप मंथली करके रखता हूँ, जो ऑटोमेटिकली मंथली बैकअप लेता है। सो अभी हम लोग बैकअप लेंगे। सो बैकअप आपको यहाँ से लेना है। बैकअप करेंगे, बैकअप मैसेज अभी बैकअप हो रहा है आपका। सो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जैसे वीडियो मेरा इंक्लूड नहीं किया, सो मेरा फ़ोटोज़ एंड मैसेजेस यहाँ पे बैकअप लेगा वो। अच्छा, यहाँ दिख रहा है आपको प्लीज़ वेट ए मोमेंट, परसेंटेज हो रहा है यहाँ। 100% होने के बाद यह भी बैकअप का प्रोसेस कर रहा है। सो इसके बाद बैकअप यहाँ पे कंप्लीट होने देते हैं पहले। ये आपको, आपका जो डाटा है वो गूगल, आपका जो गूगल ड्राइव है, गूगल अकाउंट में सेव हो जाता है। सो आप अगर नया फ़ोन खरीदेंगे तो आपका पुराना फ़ोन से आपको नया फ़ोन में व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट है, जो मैसेजेस है, एज इट इज़ रहने के लिए आपको ये बैकअप लेने से आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो नया मोबाइल में आपका पुराना जैसे एज इट इज़ रहेगा, मिल जाएगा। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको 100% हो गया। अभी ये प्रिपेयरिंग, तो गूगल ड्राइव में आपका ये बैकअप स्टोर कर रहा है। सो इसमें भी आपको 100% हो जाएगा, तो ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये कॉपी कर लिया। अभी ये अभी फाइल जाके गूगल ड्राइव पे ये बैकअप स्टोर हो रहा है। ये दिख रहा है 24-25% हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। आपका अगर वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे इंक्लूड वीडियो करने से वो वीडियो भी इंक्लूड हो जाएगा। आपका बैकअप आप कैसे करेंगे, वाईफाई से करेंगे, तो यहाँ पे ये बैकअप ओवर यहाँ से ऑप्शन है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर मंथली बैकअप चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए इसलिए मैं मंथली बैकअप दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा फाइल का साइज़ है 142 MB। सो 36 MB, अभी 37 MB हो रहा है अपलोडिंग। ये अपलोडिंग हो जाएगा कंप्लीट 100% होने तक, ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। सो हम रजिस्टर कैसे करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप ये नया है मेरा अभी, सो नया खोल रहा हूँ मैं। एग्री एंड कंटिन्यू। सो मेरा नंबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम अभी बैकअप लिया जो उसी का मैंने करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे OTP आएगा आपका नंबर पे, आ गया OTP। हो गया वेरीफाई। ये दिखा रहा है टू फाइंड एंड रिस्टोर योर बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट एंड योर डिवाइस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स। कंटिन्यू कर सकते हैं और नॉट नाउ कर सकते हैं। सो मुझे बैकअप चाहिए तो कंटिन्यू, तो फाइल आपको यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे आ रहा है बैकअप फाउंड, बैकअप लिया था मैंने, फाइल का साइज़ दिखा रहा है। आप स्किप कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। मुझे तो स्किप नहीं करना है, सो मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। सो ये देख रहे हैं आप, अभी मेरा बैकअप रिस्टोर हो रहा है, रिस्टोरिंग 100%। सो हो गया कंप्लीट, 221 मैसेज रिस्टोर, नेक्स्ट। सो आपका अकाउंट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आपका जो नया अकाउंट है वो यहाँ पे खुल गया अभी। सो देखिएगा कि यहाँ पे सारा वीडियोस जितना अपने मैसेजेस किया था एज इट इज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट पड़ेगा, रिस्टोर हो जाएगा, डाटा जाएगा। सो इंस्टॉल हो रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। और डाटा अभी जो है वो पूरा बैकअप लेके यहाँ पे रिस्टोर हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे सेटिंग के लिए आ रहा है, ये मैं बाद में करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मेरा जो मैंने कॉन्टेक्ट था मेरा वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया और मैसेजेस भी आ गया है। यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ पूरा मैसेज यहाँ पे आ गया। सो दोस्तों अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कुछ डाउट रहने से। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरा अगला वीडियो पहले आपको ही मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो में अपने WhatsApp बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में कुछ नॉलेज गेन किया बोल के आशा करता हूँ। थैंक यू।